हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर आर्ट रॉक्स। दिस चैप्टर इज अबाउट प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश भीमबेटका। मध्य प्रदेश में ये रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका। रॉक शेल्टर्स केव्स टाइप के होते हैं, जैसे गुफा होती है, हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं। इनका नाम भीमबेटका इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के टाइम में जो भीम थे वो कुछ समय के लिए यहाँ पे रुके थे। सो बैठक मीन्स होता है सिट डाउन और सीट ऑफ भीमा। सो इसका नाम भीमबेटका उसी तरह टाइप से पड़ा है। सो इसके अंदर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो भी हज़ारों साल पुरानी हैं, पीलियोलिथिक एज की, द अर्ली स्टोन एज की। तो ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये स्टोन एज के टाइम के हैं। सिचुएटेड 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर हैं ये। एट द साउथर्न एज ऑफ लो लाइंग विंध्याचल हिल्स, विंध्याचल हिल्स का जो लो लाइंग है साउथर्न एज उस तरफ। दीज रॉक शेल्टर्स आर मेड ऑफ मैसिव सैंडस्टोन रॉक्स बैलेंस्ड ऑन ईच अदर टू फॉर्म नेचुरल शेल्टर्स फ्रॉम द सन विंड एंड रेन। ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये सैंडस्टोन के बने हुए हैं, जो मिट्टी के बने हुए रॉक्स होती हैं, चट्टान होती है, पत्थर, वो नेचुरली बैलेंस्ड है एक दूसरे के ऊपर, और वो नेचुरल शेल्टर का काम करते हैं सन से, विंड से और रेन से, यानी धूप से बचाते हैं, बारिश से और हवा, तेज़ हवा से बचाते हैं। ऑन द स्मूथ अंडर साइड ऑफ दीज रॉक ऑफ द रॉक फेसेज वी फाइंड पेंटेड सीन्स फ्रॉम एंशियंट पास्ट शोइंग द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया। इन रॉक शेल्टर्स की जो अंदर की साइड है, यानी ये जो रॉक शेल्टर्स हैं इनकी जो अंदर की साइड है उनमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं। सो वी फाइंड पेंटेड सीन, इनके अंदर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं फ्रॉम एन एंशियंट पास्ट शोइंग द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया, उनसे हमें पता चलता है जो अर्ली ह्यूमन ट्रेसेस थे इंडिया के अंदर, यानी जो मानव की शुरुआत हुई थी, जिससे ह्यूमंस की एकदम स्टार्टिंग हुई थी, तो उसका ट्रेस मिलता है यहाँ पे इन पेंटिंग्स पे, क्योंकि इनके अंदर जो पेंटिंग्स है वो होमिनिड्स के द्वारा बनाई हुई है, यानी आदि मानव के द्वारा बनाई हुई है। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज रॉक शेल्टर्स डीप इन द फॉरेस्ट हार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर इनहेबिटेड बाय होमिनिड्स मोर देन 1 लाख ईयर्स अगो। साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जो रॉक शेल्टर्स हैं डीप फॉरेस्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे अर्ली होमिनिड्स रहते थे अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ईयर्स अगो। 1 लाख साल पहले जो होमिनिड्स थे, जो आदि मानव थे, वो इन गुफाओं के अंदर, इन केव्स के अंदर, इन रॉक शेल्टर्स के अंदर रहते थे। द रॉक पेंटिंग्स फाउंड हेयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ईयर्स अगो ओल्ड। इनके अंदर जो रॉक पेंटिंग्स हैं, यानी जो दीवारें हैं इनकी चट्टानों की, उनके ऊपर जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो भी 30,000 ईयर ओल्ड हैं। बिलोंगिंग टू द पीलियोलिथिक एज, और वो बिलोंग करती हैं पीलियोलिथिक एज से, यानी जो स्टोन एज थी उससे रिलेटेड हैं। स्टोन एज थी जब जो मानव इवॉल्व नहीं हुआ था और कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ था किस चीज़ का, तो उस टाइम जो स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ उसमें स्टोन का ही होता था शिकार करने के लिए, हंट करने के लिए। ए क्लस्टर ऑफ रॉक शेल्टर्स इज कॉल्ड द जू, जहाँ ये रॉक शेल्टर क्लस्टर में है, यानी ग्रुप में है, उसे जू कहते हैं। पेंटेड एट डिफरेंट टाइम्स फ्रॉम द मिसोलिथिक टू मिडिवल एजेस, इनके अंदर जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में बनी हुई है, मिसोलिथिक एज से मिडिवल एज तक। इट शोज़ ए प्रोफ्यूजन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द मोस्ट विविड कलर्स एंड लाइफ लाइक फॉर्म। तो इनके अंदर जो एनिमल्स और बर्ड्स की पेंटिंग है वो ब्राइट कलर में है, काफ़ी विविड कलर्स, मीन्स ब्राइट कलर्स। प्रोफ्यूजन ऑफ एनिमल्स, यानी काफ़ी बड़े बड़े ओवरग्रोथ एनिमल हैं इनमें, और जो बर्ड्स हैं, क्योंकि ये 1 लाख ईयर्स ओल्ड की बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम के जो एनिमल्स होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे हाइट में और स्ट्रेंथ में, कलरफुल एंड लाइफ लाइक फॉर्म, और ये एकदम जीवित दिखती है, लाइफ लाइक ही दिखती है। बोर्स, एलिफेंट, रिनोसॉर्स, बारासिंगा, स्पॉटेड डियर, कैटल, स्नेक्स अकाउंट फॉर इट्स वेल डिजर्व्ड नेम। तो इनके अंदर इन सब जो एनिमल्स हैं इनकी पिक्चर्स हैं, बोर्स, एलिफेंट, रिनोसॉर्स यानी गेंडे होते हैं जो, बारासिंगा, स्पॉटेड डियर, कैटल एंड स्नेक्स अकाउंट फॉर इट्स वेल डिजर्व्ड नेम। इनके अंदर जो जो जिन जिन जानवरों की पेंटिंग्स बनी हुई है उनमें ये सब जानवर हैं। Elsewhere, since depicting hunting, fishing and food gathering as well as communal dances, the use of musical instruments, birds,
फ्यूनरल्स एंड बरियल्स मेक दीज रॉक शेल्टर रॉक सर्फेसिस कम अलाइव विद ए थाउजेंड स्टोरीज। तो इनके अंदर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो पेंटिंग्स हैं, सीन दिखाती हैं वो हंटिंग का, यानी शिकार करते हुए इनमें ह्यूमंस को दिखाया गया है इन पेंटिंग्स पे, फिशिंग करते हुए ह्यूमंस दिखते हैं इसमें, फूड गैदरिंग यानी खाना खाते हुए इकट्ठे गैदर हुए, एज वेल एज कम्युनल डांसर्स डांसेस, जो जनजातियाँ डांस करती हैं आदिवासी लोग जो डांस करते थे वो डांस की भी पेंटिंग्स हैं, द यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बर्थ फ्यूनरल्स एंड बरियल्स, और इनके अंदर जो डांस होते हैं उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दिखाए हुए हैं पेंटिंग्स में, बर्थ के टाइम के, फ्यूनरल्स के टाइम के, बरियल्स के टाइम में। तो ये सब जो पेंटिंग्स हैं इनसे रिलेटेड, जिनमें इन सब जो कस्टम्स हैं इनको दिखाया गया है, दीज रॉक फेसेस कम अलाइव विद ए थाउजेंड स्टोरी, ये सब हज़ारों कहानियाँ बताती हैं, हज़ारों कहानियों को एकदम जिंदा कर देती हैं। रिकॉग्नाइजेबल एनिमल फिगर अपीयर इन मैनी सीन्स एज डू ह्यूमंस बोथ सिंगल एंड इन ग्रुप्स, ऐसे जानवर जिन्हें हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइजेबल एनिमल्स जैसे शेर, हाथी, गेंडा, हिरन वगैरह, और ह्यूमंस हैं जो, तो ह्यूमंस और जानवर ग्रुप में भी दिखाए हैं और सिंगल भी दिखाया हुआ है इन पेंटिंग्स में, दस इंडिकेटिंग दैट सोसाइटी हैड ऑलरेडी इमर्ज इन द पीलियोलिथिक पीरियड। अब ये सब चीज़ें बताती हैं कि जो सोसाइटी थी वो ऑलरेडी इमर्ज हो चुकी थी, यानी डेवलप हो चुकी थी पीलियोलिथिक पीरियड में ही। पीलियोलिथिक जो स्टोनेज है, स्टोनेज होती है जो जब कुछ भी नहीं था, जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, मंकी से ह्यूमन बना है धीरे धीरे इवॉल्व होके। तो अर्ली होमिनिड से उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को देख के इन्वेंशन किया, जैसे पत्थर को जोड़ के टकरा के उन्होंने फायर पैदा की। तो जो पीलियोलिथिक एज थी वो स्टोन एज थी, जिसमें जो वेपन्स यूज होते थे वो भी स्टोन से बने हुए होते थे। सो दस इंडिकेटिंग दैट सोसाइटी हैज़ ऑलरेडी इमर्ज इन पीलियोलिथिक पीरियड। तो इन सब जो पेंटिंग्स हैं इनको देख के पता लग जाता है कि सोसाइटी है वो इमर्ज हो चुकी थी, यानी डेवलप हो चुकी थी पीलियोलिथिक पीरियड में ही। द मिसोलिथिक एज हैज़ बिगन अराउंड 8,000 ईयर्स BCE बिफोर क्राइस्ट वॉज द टाइम वेन ट्रेडिशन एंड रिलीजियस बिलीफ बेस्ड ऑन नेचर एंड इकोलॉजी बिगन टू टेक शेप। जो मिसोलिथिक एज है वो शुरुआत, उसकी शुरुआत होती है 8,000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट से, वैन ट्रेडिशन एंड रिलीजियस बिलीफ बेस्ड ऑन नेचर एंड इकोलॉजी बिगिन टू टेक शेप। तब जो ट्रेडिशन थे यानी जो कस्टम थे रिलीजन से रिलेटेड और बिलीफ से रिलेटेड, बेस्ड ऑन नेचर जो कि नेचर पे बेस्ड थे और इकोलॉजी पे यानी एनवायरनमेंट पे, उन्होंने शेप लेना शुरू किया था 8,000 ईयर्स पहले। द भीमबटका पेंटिंग्स बियर विटनेस टू हाउ ए ग्रेट सिविलाइजेशन केम इन टू बींग, हाउ इट्स फाउंडेशन वर लेड इन क्रूड लाइन ड्राॅइंग्स एंड हाउ लेटर जनरेशन फिल्ड दीज आउटलाइन विद कलर्स, डिटेल ए शार्प आई एंड ए लाइवली इमेजिनेशन। सो भीमबटका की जो पेंटिंग्स हैं वो हमारे सामने एक विटनेस है, यानी वो हमें सबूत देती हैं कि कैसे एक जो ग्रेट सिविलाइजेशन थी वो डेवलप हुई, वो इवॉल्व हुई धीरे धीरे, और कैसे उसकी फाउंडेशन रखी गई, कैसे उसकी मतलब नींव रखी गई, और कैसे जो 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 पहले ह्यूमनॉइड्स थे यानी जो शुरुआत में लोग आए उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, उन्होंने क्रूड पेंटिंग्स बनाई यानी कच्ची लाइन्स वगैरह खींच के, और आगे जो जनरेशन आई उन्होंने उनके अंदर कलर्स फिल किए, रंग भरे उनके अंदर, और वो उन्होंने लाइवली इमेजिनेशन के रूप में शार्प आइज, उन्होंने जो काफ़ी डार्क कलर भरे उनके अंदर, रेड वाइट और काफ़ी लाइवली इमेजिनेशन, काफ़ी तेज आंखें थी उनकी। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट इवोल्यूशनरी टाइम ग्रुप्स यूज द सेम रॉक सरफेसेस एज देयर कैनवस। तो जो लोग थे, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट इवोल्यूशनरी टाइम ग्रुप्स, अलग अलग टाइम के लोग यानी कुछ हज़ारों साल पहले और कुछ लाखों साल पुराने, अलग अलग टाइम पीरियड के जो लोग थे उन्होंने इन रॉक शेल्टर्स का यूज़ किया था, इन रॉक सरफेसेस का, इन जो पत्थर की दीवारें थीं उनका पेंटिंग के लिए अलग अलग टाइम पीरियड के लोगों ने यूज़ किया था। दस मल्टीपल सीन्स आर इधर सुपर इम्पोज और ड्रॉन अलॉन्ग साइड, इसलिए जो ज़्यादातर जो पेंटिंग है, जो काफ़ी पेंटिंग्स ऐसी हैं आर इधर सुपर इम्पोज और ड्रॉन अलॉन्ग साइड, जिनमें पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है। सुपर इम्पोज होता है लेइंग वन थिंग ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक कुछ चीज़ बना दी जाए तो उसे सुपर इम्पोज कहते हैं। तो इन पेंटिंग्स में ऐसा भी है कि एक के ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई है और ड्रॉन अलॉन्ग साइड, और साथ साथ में बनी हुई है, एकदम अलग अलग पीरियड की पेंटिंग साथ साथ में बनी हुई है। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट म्यूटेड एंड कंपेरेटिवली क्रूडर पेंटिंग्स आर यूजुअली क्लोजर टू द रॉक बेस। तो जो सबसे ज़्यादा पुरानी पेंटिंग्स हैं और जो काफ़ी सबसे ज़्यादा क्रूड यानी कच्ची पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादातर रॉक बेस के क्लोजर हैं, यानी रॉक बेस जहाँ से रॉक की शुरुआत होती है नीचे से। एज द आइस ट्रेवल अपवर्ड, और जैसे जैसे
जो हमारी आंखें हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, मतलब जो नीचे का हिस्सा है उन केव्स का या रॉक शेल्टर्स का, वहाँ से जब हमारी आंखें ऊपर की तरफ जाती हैं, सीन्स आर रिमार्केबल फॉर देयर डिटेलिंग, वहाँ पे डिटेल में मार्किंग की हुई है, यानी डिटेल में पेंटिंग्स की हुई हैं। ए स्पॉटेड डियर, वहाँ पे एक डियर बनाया गया है जो स्पॉटेड भी, जिसमें स्पॉट भी हैं, ए स्पॉटेड डियर, जो डियर डियर के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं। ए गेली डेकोरेटेड हॉर्स, एक काफ़ी मतलब हैप्पी हॉर्स दिखाया गया उसमें। जैसे हॉर्स की जो पेंटिंग है वो तो काफ़ी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर गेली हॉर्स डेकोरेटेड हॉर्स, उसमें हॉर्स को डेकोरेट किया हुआ है और वो हॉर्स भी काफ़ी हैप्पीली मैनर में दिख रहा है। ए मैन कैरिंग ए प्लम्ब हैंड हेल्ड इन सीजनिया सिमिलर टू द वन स्टिल यूज बाई आदिवासी क्रांसर्स, हॉर्स बोन राइडर्स कैरिंग ब्लंट स्टोन इंस्ट्रूमेंट एंड देन प्रोग्रेसिवली बो एंड एरोज एंड मस्ट फिगर्स इंगेज इन बैटल। इंसिजनिया होते हैं ए बैज और एम्बलम शोइंग मेंबरशिप और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ब्लंट होता है स्टोन, नॉट वेरी शार्प, एक ऐसा पत्थर जो कि काफ़ी शार्प नहीं है। प्लम्ड मीन्स होता है फैदर्ड, जो पंख वगैरह जो बर्ड्स के पंख होते हैं वो लगे होते हैं किस चीज़ में। सो ए मैन कैरिंग ए प्लम्ड हेड हैंड हैंड हेल्ड इन सीजनिया सिमिलर टू द वंस, सो कि इसमें एक आदमी दिखाया गया है जिसके हाथ में क्या है, एक हैंड हेल्ड इन सीजनिया होता है, एक बैच जैसे उसमें पंख वगैरह लगे होते हैं, एक काफ़ी स्टिक काइंड ऑफ स्टिक, काफ़ी लंबी स्टिक होती है। इस चीज़ सिमिलर टू द वन स्टिल यूज बाई आदिवासी डांसर, जैसा आदिवासी डांसर यूज़ करते हैं। हॉर्स बोन राइडर्स कैरिंग ब्लंट स्टोन इंस्ट्रूमेंट एंड देन, जो घोड़े के जो राइडर्स होते हैं वो पत्थर के हथियार लिए हुए हैं, कैरिंग ब्लंट स्टोन इंस्ट्रूमेंट एंड देन, जो पत्थर के हथियार है वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, एंड देन प्रोग्रेसिवली बो एंड एरोस, और उसमें बो एंड एरो यानी धनुष और जो बाण होते हैं वो लिए हुए भी, एरोज लिए हुए भी लोग दिखाए गए हैं। एंड मैस्ड फिगर्स एंगेज्ड इन बैटल, और काफ़ी ग्रुप में लोग दिखाए हुए हैं जो कि कोई लड़ाई में शामिल होने जा रहे हैं या फिर कोई लड़ाई हो रही है, ऐसी कोई बैटल हो रहा है। ओवरवेल्म्ड बाय द टेबलॉक सेट आउट बिफोर आवर आइज, आवर स्मॉल पार्टी ऑफ द थ्री सॉट ए क्वाइट कॉर्नर टू टेक इन द इनॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्प्लेड ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजिकली बिफोर अस। सो ये सब चीज़ें देख के कुछ ओवरवेल्म्ड हो जाता आदमी, तो ओवरवेल्म्ड बाय द टेबलॉक्स, टेबलॉक्स होता है जो फिगर्स रिप्रेजेंटिंग सीन्स फ्रॉम ए स्टोरी और हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की ये जो सीन्स हैं इन सबको देख के, इन पेंटिंग्स में जो हिस्ट्री बताई गई है इन सबको देख के आदमी जो ओवरवेलम हो गया है, ये जो नरेटर है, सेट आउट बिफोर आवर आइज, तो ये हमारी आंखों के सामने ये सब बना हुआ है। आवर स्मॉल पार्टी ऑफ थ्री, तो ये जो लोग थे यहाँ जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे वो तीन लोग थे। आवर स्मॉल पार्टी ऑफ थ्री, तो हम जो तीन लोग थे, हमारी जो पार्टी थी तीन लोगों का, हमारा जो ग्रुप था, सोट ए क्वाइट कॉर्नर, हमने एक क्वाइट कॉर्नर यानी एक शांत कोना ढूंढा टू टेक इन द इनॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, देखने के लिए जो इनॉर्मिटी होते हैं यानी जो क्वालिटी ऑफ एक्सट्रीम विकेडनेस, जो अजीब सा इनॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्प्लेड ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजिकली बिफोर अस, तो हमारी आंखों के सामने जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसकी जो अलग अलग तरीके की इनॉर्मिटी है वो दिखाई गई है, तो उसको देखकर हम ओवरवेल्म्ड हो गए और हम तीनों ने एक शांत कोना ढूंढा और जहाँ बैठ कर हम टेक द हमने देखा इस सबको। वी वर हैप्पी व्हेन वी फाउंड ए लेज एट द फार कॉर्नर ऑफ व्यू पॉइंट, हम सब खुश हो गए जब हमने देखा कि एक लेज, फाउंड ए लेज एट द फार कॉर्नर ऑफ व्यू पॉइंट, जो ये सब देखा व्यू पॉइंट था, इसके काफ़ी दूर कोने में एक लेज था, प्रॉप्ड अप अगेंस्ट ए स्मूथ रॉक फेस, जो कि स्पॉट दिया हुआ था एक रॉक फेस के। वी सेट इन कंपेनेबल साइलेंस गेजिंग एट द पैचवर्क क्विल्ट स्प्रीड आउट बाय नेचर, तो ये कह रहे हैं कि इन्हें बैठने की जगह मिल गई थी एक प्रॉप्ड अप अगेंस्ट ए स्मूथ रॉक फेस, जो रॉक का फेस था स्मूथ, उसके साइड में एक कुछ स्पॉट किया हुआ लगा हुआ था लेज, यानी जहाँ पे बैठ सकते हैं, कुछ बैठने की जगह थी वहाँ पे। वी सेट इन कंपेनेबल साइलेंस, तो वहाँ पे ये बैठ गए एक फ्रेंडली साइलेंस लेते हुए, गेजिंग एट द पैचवर्क क्विल्ट स्प्रेड आउट बाय नेचर, तो वहाँ पे ये बैठे बैठे देख रहे थे, गेजिंग एट द पैचवर्क क्विल्ट स्प्रेड आउट बाय नेचर। पैचवर्क क्विल्ट होता है जो स्टिच कवर, जो कवर होता है बेड कवर, एक सिला हुआ
स्टिच ब्रेड कवर, तो उसे पैचवर्क क्विट कहते हैं। तो जो नेचर के द्वारा जो पैचवर्क किया गया था, पैचवर्क क्विल्ट यानी एक नेचर के द्वारा रंगीन चादर थी जो बिछाई गई थी इन दीवारों पे पेंटिंग के रूप में, उसे देखते हुए हम वहाँ बैठ गए। सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट भीम भटका रॉक शेल्टर्स, इसे हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये भीमबटका के रॉक शेल्टर्स हैं। ये पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। पेंटिंग्स इन वाइट कलर, सो इस चैप्टर का बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।